बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th है, उसका यूनिट नंबर 3 तगयुरात वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुश्तरक तगयुर जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे मुतालिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखें, मुश्तरक तगयुर जॉइंट वेरिएशन होता क्या है। अब तक के हम तगयुर रास्त और तगयुर माकूस पढ़ चुके हैं, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन ये हम पढ़ चुके हैं, इसी यूनिट का हिस्सा है। अब हम जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर एक मुतगयर वाई हो और एक से ज़्यादा मुतगयरात हों वगैरह, और ये वाई के साथ इनका जो ताल्लुक हो वो तगयुर रास्त में हो, तो एक से ज़्यादा जब मुतगयर जो हैं वो किसी एक मुतगयर के साथ तगयुर रास्त, तगयुर माकूस या दोनों इस्तेमाल हों इसमें, तो इस किस्म का जो वेरिएशन बनता है उसे हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। मिसाल देख लें कि अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के साथ भी और जेड के साथ भी और टी के साथ भी, तो रिलेशन फिर ये होगा और उसके लिए एक ही कांस्टेंट लिया जाएगा। और अगर वाई तगयुर माकूस हो इनके साथ, तो वन ओवर एक्स जेड और टी इस तरह, तो वाई इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट होगा इन सब का मुश्तरका एक्स जेड टी, ये रिलेशन। तो ये जॉइंट वेरिएशन है। और अगर दोनों इस्तेमाल हो, फॉर एग्जांपल वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जेड टी के साथ, तो ये वाई इज इक्वल टू के एक्स ओवर जेड टी इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरह अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स जेड के साथ और इनवर्सली हो टी के साथ, तो ये रिलेशन जॉइंट वेरिएशन इस तरह लिखा जाएगा। और देख लेते हैं कि अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टी के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो एक्स जेड के साथ, तो ये रिलेशन फिर इस तरह लिखा जाता है। तो जॉइंट वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल का एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के साथ तगयुर रास या तगयुर माकूस का ताल्लुक पाया जाए और फिर हम उनको एक मुश्तरका इक्वेशन हासिल करें, तो वो जॉइंट वेरिएशन बनता है। अब इससे मुतालिक हम कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि इससे मुतालिक सवालात किस तरह हल किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जॉइंट वेरिएशन की एक बहुत ही अच्छी मिसाल हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल का लॉ। क्या होता है उसमें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, दो बॉडीज के मास के डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट, मास का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिजिक्स में, आप 9th की फिजिक्स में इसे अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने। अब इसे अगर कंबाइन करें इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, तो ये इक्वेशन, ये रिलेशन बनता है m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू क्या बनता है, k इनटू m1 m2 और d स्क्वायर।
आप जानते हैं कि यहां पर के जो कांस्टेंट होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट से बिल्कुल एक ही होती है, 6.67 × 10⁻¹¹। ये देखें, ये ज्वाइंट वेरिएशन की एक अच्छी एग्जांपल है कि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहां पर स्क्वायर से डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हम फोर्स भी मालूम करते हैं, जब हमें जी भी गिवन हो, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, डिस्टेंस गिवन हो, मासेस गिवन हो, तो हम फोर्स फाइंड कर लेंगे कि इन अज्साम के दरमियान वो फोर्स क्या है। ज्वाइंट वेरिएशन से मुतालिक मिसाल है आपके टेक्स्ट बुक में 3.23। अगर वाई का एक्स क्यूब और जेड के साथ तगैर रास्त हो और x 6 के बराबर, y 4 के और z 27 हो, तो y की कीमत कब हमें मालूम करनी है, जब x मनफी 5 और y 9। ठीक है, तो देखें क्या है कि y का किसके साथ तगैर रास्त है, x की 3 के साथ, और y का तगैर रास्त है z के साथ। तो इन दोनों का ज्वाइंट वेरिएशन क्या बनेगा, इन दोनों से y x क्यूब z क्यूब मसावात 1 और 2 के मुताबिक ये रिलेशन बन गया हमारा, y इज इक्वल टू k x क्यूब z। अब आपके पास क्या है, बट x क्या है, 6y 4z 27। y 4 रख दिया, k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, 6³ × z क्या है, z 27। 4 इज इक्वल टू k इंटू 6 को 3 टाइम्स, 6 × 6 = 36 और 6 × 36 = 2 = 26 = 27। इसके बाद ये यहाँ आएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 216 × 27 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो के की वैल्यू आप देखें क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू 4216 × 27। 4 ones are 4, 5s are 4, 4s are, k is equal to 1/54 × 27। इसे मल्टीप्लाई करें, 54 × 27, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 37, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 8 5 4 1, k इज इक्वल टू 1/1458, ये k की वैल्यू होगी। अब फॉर x, देखिए x माइनस 5, y 9, ठीक है, y 9, देखिए यहाँ क्वेश्चन में y 9 नहीं है बल्कि z की वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या है, z की वैल्यू है 9, y तो फाइंड करना है, तो z इज इक्वल टू 9, y फाइंड करना है, तो इसके लिए आपका ये रिलेशन है, वी हैव y इज इक्वल टू k x 3 z, y फाइंड करना है k 1/1458 × −5^3, z क्या है 9, y इज इक्वल टू 1/1458 × 125 × 9, y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर ले, 9 ones are 9 ones are, ठीक है, देखें 14, इसे हमने मल्टीप्लाई किया था, इससे 9 से डिवाइड करें, 9 ones are
फाइव फाइव नाइन, सिक्स नाइन टू ज़ा। तो स्टूडेंट देखे y इज इक्वल टू वन ओवर वन फोर फाइव एट, दिस y इज इक्वल टू वन ओवर वन फोर फाइव एट, ये माइनस की पावर थ्री है तो माइनस वन टू फाइव मल्टीप्लाई बाई नाइन। नाइन को इससे वो करते हैं डिवाइड, तो देखते हैं, देखे नाइन वन ज़ा फाइव के जो है यहाँ पर रिमाइंडर है, ये फाइव यहाँ पर आ गया तो फिफ्टी फाइव, नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर, फिर वन रिमाइंडर एट आया और ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू, ये इससे वन सिक्स एट से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू माइनस वन टू फाइव डिवाइडेड बाई वन सिक्स टू। ये y की वैल्यू है जो जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चन में हमने फाइंड की। स्टूडेंट एग्जाम्पल 3.24 है, u का v और r स्केयर के साथ तनासुब रास्त का ताल्लुक है, जबकि w के साथ तनासुब माकूस है। अगर u 30, v 8, r 5, w 24 हो तो u की कीमत कब मालूम करनी है, जब v 35, r 4 और w 90 हो। इन वैल्यूज से क्या आएगा, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो हल करते हैं इसे, देखें u का v और r स्क्वायर के साथ, u का ताल्लुक क्या बन रहा है, वी स्क्वेयर, वी और आर स्क्वेयर के साथ तनासुब रास्त, जबकि डब्ल्यू के साथ तनासुब माकूस है, तो डब्ल्यू डेनोमिनेटर में होगा। तो ये रिलेशन बन गया, यू का वी और आर स्क्वेयर के साथ तनासुब रास्त, वी और आर स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया, यू इज इक्वल टू के v r की पार्ट टू w। अब देखते हैं बट u क्या है, u 30 है आपके पास, v क्या है 8, r 5 एंड w 24। यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, U आ गया 30, K तो फाइंड हो जाएगा यहाँ से, V की वैल्यू है 8, R स्क्वेयर 5 की पावर 2 और डिवाइड हो रहा है W 24। 30 इंटू 24 इज इक्वल टू K इंटू 8 इंटू 25। 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 25, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ शिफ्ट कर दे, कैंसिल हो जाए, 8 थ्री ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा, 6 थ्री ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू के, आर के की वैल्यू 18 बाई 5, ये के की वैल्यू है। अब आप क्या करें कि ये रिलेशन लें, ये ठीक है, इस रिलेशन को इस्तेमाल करें। अब फॉर लिखते हैं, फॉर किसके लिए, देखें जबकि यू की वैल्यू मालूम करनी है, यू किसके लिए मालूम करना है, v 35 हो, r 4 हो, w 90 हो, तो u की वैल्यू फाइंड करें। तो इसके लिए वी हैव अ रिलेशन जॉइंट वेरिएशन, u इज इक्वल टू k v r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, यू फाइंड करना है, के क्या आया हुआ है 18 बाय 5 इनटू वी, यहां अब इस सिचुएशन में 35, आर स्क्वेयर 4 की पावर 2 और डब्ल्यू 90, यू इज इक्वल टू 18
बाई 5 इंटू 35 इंटू 16 और 95 18 फाइव जा 5 7 जा तो u इज इक्वल टू 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 5 u इज इक्वल टू 7 इंटू 16 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 112 डिवाइडेड बाय 5। तो आपने देखा इस जॉइंट वेरिएशन में, इस क्वेश्चन से जो जॉइंट वेरिएशन बना है, ठीक है, कितने वेरिएबल है, 4 u v r स्क्वायर, ठीक है, r w, 4 वेरिएबल हैं, इनका आपस में जॉइंट वेरिएशन, 2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 का इन्वर्सली, तो u की वैल्यू हमने फाइंड की। तो ये जॉइंट वेरिएशन से मुतालिक दो एग्जांपल हमने की है। स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.5 है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 5 क्वेश्चंस हैं, और वो जॉइंट वेरिएशन मुश्तरक तगैयर के हैं। इनकी आप भरपूर प्रैक्टिस करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि x और y स्क्वायर के दरमियान कौन सा ताल्लुक है, तनासुब रास्त, जबकि x के साथ z का ताल्लुक क्या है, तनासुब माकूस। अब आपने वैल्यू रख कर के तो फाइंड करना सीख लिया, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आपने किस तरह वो करना है, ठीक है, x का y स्क्वायर के साथ और x का z स्क्वायर के साथ क्या है ताल्लुक। तो आप क्या रिलेशन बनाएंगे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर, और दूसरा रिलेशन क्या है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर z। यहाँ पर देखे y नहीं, अब x y स्क्वायर के साथ तनासुब रास्त और x का z के साथ तनासुब माकूस है, ठीक है, मालूम नहीं, माकूस यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को कंबाइन करें तो x इज इक्वल टू के y स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, ये जॉइंट वेरिएशन आ जाएगा आपके पास। अब इसमें x, y, z जो गिवन है उनकी वैल्यू रख कर k फाइंड कर लें, जब k आ जाए तो दूसरी वैल्यूज रख कर जो भी वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए, जिस तरह हमने दो एग्जांपल में किया वो कर ले। तो यहाँ पर एक अहम बात थी कि यहाँ y नहीं, x का y स्क्वायर के साथ तनासुब रास्त, तो वो इस तरह का रिलेशन बनेगा, यहाँ y ही रखना आपने, ठीक है, और x का z के साथ तनासुब माकूस है। इसी तरह स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि a का b स्क्वायर के साथ कौन सा ताल्लुक है, तनासुब रास्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसी a का c के मकब के साथ, ठीक है, c का मकब लिखा है तो c क्यूब के साथ कौन सा ताल्लुक है, बिलअक्स तनासुब माकूस यानी बिलअक्स तनासुब। तो रिलेशन कैसे बनेगा, a रिलेशन डायरेक्टली b स्क्वायर, और a रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर c क्यूब, तो इन दोनों का कंबाइंड जॉइंट वेरिएशन क्या होगा, a जॉइंटली वेरिएटेड, ठीक है, a जॉइंटली वेरीज b स्क्वायर ओवर c क्यूब, a इज इक्वल टू k इंटू b स्क्वायर c क्यूब, a b c की वैल्यू रख कर k फाइंड करें, और उसके बाद जो भी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है वो, और जो गिवन है वो रख के की वैल्यू जब फाइंड हो जाएंगी तो फिर ए बी सी में से किसी की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्यूब है। स्टूडेंट, जॉइंट वेरिएशन के मुतालिक हमने एग्जांपल्स की, दो एग्जांपल्स की, ठीक है, कम्प्लीटली उसे सॉल्व किया और जो अननोन वेरिएबल थी था उसकी वैल्यू फाइंड की। उसके बाद एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन 5 हैं,
बिल्कुल एग्जाम्पल जो हमने की हैं दो उनसे उन्हीं की तरह हैं। उनमें से मैंने क्वेश्चन नंबर एक का हिंट दिया कि किस तरह रिलेशन बनेगा, और क्वेश्चन नंबर फाइव का। बाकी क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद की जा सकती है कि आप ज्वाइंट वेरिएशन से मुतालिक कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज जो एग्जाम्पल्स की हैं उनकी मदद से अगर आपको ज्वाइंट वेरिएशन के क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और इस कंसेप्ट में महारत हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।